मोतिहारी के सदर अस्पताल परिसर में स्थित नए भवन में डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने आरटीपीसीआर जांच केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके बाद डीएम ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान फिर डीएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर आईएमए के डॉक्टरों के साथ बैठक भी की, जिसमें जिला मुख्यालय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बचाव को लेकर चर्चा की गई है। आज सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब जो है उसको फंक्शनल किया गया है, तो फर्स्ट 100 टेस्ट जो है की प्रक्रिया भी यहाँ पे शुरू की जाएगी। ये अपने जिले के लिए असेट है। साथ ही में आईएमए के जो सदस्यगण हैं हमारे, उनके साथ भी बैठक की गई है किस तरीके से जो है हम पेशेंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट जो है सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल। जहां एक तरफ कोरोना ने बिहार समेत पूरे देश में त्राहिमाम मचा रखा है, वहीं सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग भले ही अपने कोविड-19 टेस्ट को लेकर जागरूक नजर आ रहे हों, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बिल्कुल भूल गए हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। दरअसल कोविड-19 के टेस्ट कराने के लिए लोगों की भीड़ काफी संख्या में जुट रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे कोरोना विस्फोट होने का खतरा बढ़ गया है। सहरसा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए डीएम कौशल कुमार ने जिले के सभी प्रखंडों में कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। डीएम के मुताबिक फिलहाल जिले में 689 केस सक्रिय हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना काफी सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी कौशल कुमार की माने तो 30 से ऊपर वाले उम्र के लोगों के पॉजिटिव होने की संख्या में इन दिनों काफी वृद्धि हुई है। यही नहीं, उन्होंने जिलेवासियों से कोरोना टीका लेने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। कोविड-19 के संबंध में सहरसा जिले का आज दिनांक 16 अप्रैल 2021 को अद्यतन प्रतिवेदन इस प्रकार है। दिनांक 9 मार्च 2021 से हम लोग 50,573 सैंपल का टेस्ट किए हैं, जिसमें 914 पॉजिटिव केसेज मिले हैं। इसमें 615 पुरुष और 299 महिलाएं हैं। उम्र विश्लेषण के हिसाब से 0 से 10 उम्र में 58 पॉजिटिव, 11 से 20 वर्ष की उम्र में 105 पॉजिटिव, 21 से 40 वर्ष की उम्र में 338 पॉजिटिव के। जमशेदपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में सेविकाओं के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पर 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी खुला हुआ है, जिससे बच्चों के अभिभावक भी काफी चिंता में हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर केंद्र में बैठने में अब डर लगता है। सरकार से आग्रह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए बंद कर दिया जाए। मुंगेर के धरहड़ा में संदिग्ध अवस्था में एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक पुरुषोत्तम सिंह मोहनपुर गांव का रहने वाला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के एक नीरज सिंह नाम के एक शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शख्स पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। वही अपने ऊपर लगे आरोप को नीरज सिंह ने गलत बताते हुए कहा कि किसी ट्रैक्टर ने मृतक को धक्का मार दिया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। दानापुर के गर्दनीबाग थाना अंतर्गत सीआईएसएफ कैंपस के पीछे एक युवक का शव मिले से इलाके में हड़कंप देखा गया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ के हारून नगर सेक्टर 2 के रहने वाले शाहरुख उर्फ रॉयल के रूप में की गई है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।